थाना क्षेत्र अंतर्गत इंदिरा चौक के समीप सोमवार को पति पत्नी के बीच हुई आपसी झगड़े में बवाल इस कदर बढ़ा कि पड़ोसी रियाज को दखल देनी पड़ी। पड़ोसी ने झगड़ा छुड़ाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन झगड़ा शांत नहीं हो रहा था। इस बीच झगड़ा अचानक पड़ोसी रियाज से शुरू हो गया और दोनों के साथ हुई हाथापाई में 30 वर्षीय सिकंदर की मौत हो गई। अचानक घटी इस घटना के बाद पीड़ित परिवार सदमे में चला गया और मौके का फायदा उठाकर आरोपी रियाज फरार हो गया। वहीं घटना की सूचना पास के थाने को मिली। सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए धनबाद के PMCH भेज दिया और घटना की जाँच में जुट गई। घटना के विषय में बताया जाता है कि सिकंदर का अक्सर अपनी पत्नी से झगड़ा होता रहता था। सोमवार को भी किसी बात को लेकर हुए विवाद के बाद सिकंदर अपनी पत्नी की पिटाई कर रहा था। इस दौरान बड़े विवाद के बाद पड़ोस के रहने वाले रियाज अंसारी सिकंदर को समझाने आया और फिर रियाज के साथ विवाद बढ़ गया। विवाद इस कदर बढ़ा कि रियाज और सिकंदर के बीच मारपीट शुरू हो गई। पत्नी से झगड़ा कर रहे सिकंदर अंसारी को पड़ोसी रियाज ने इतना मारा कि उसकी जान चली गई। आनन फानन में घायल सिकंदर को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद घटना की जानकारी झरिया पुलिस को दे दी गई। वहीं मृतक के परिजन झरिया थाना पहुंचकर आरोपी रियाज की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। फिलहाल आरोपी रियाज फरार बताया जा रहा है। अपने बीवी से झगड़ा झंझट, खाना मांग रहा था, बोला देरी से पकेगा तो न देंगे। रियाज मन करे खड़ा खड़ा देख रहा था, बोला काबे साला तू बहुत बोलता है। बस आके उठाया बच्चा के नियत दो चार मरते पटक दिया, पूरा सांस उसने बंद। कौन पटका? रियाज, रियाज हम लोग को मार लगे, सामने उसका घर है। जिसको पटका वो कौन था? सिकंदर मेरा भाई है। क्या कुछ आज घटा? कैसे? ऐसा ही कुछ लेना देना नहीं। पहले भी झगड़ा होता था? पहले हाँ, हम लोग को बराबर मारने का आदत हो गया। आज क्या हुआ? आज वही तो पीखा के झगड़ा झंझट अपना बीवी से कर रहा था। वो आया बीच में घुस गया है अपना मौगी, तू ऐसे बोलेगा? तू अपना वाइफ के कैसे? अगर गुस्सा है दूसरा का अच्छा कर दीजिए तो हाथ गोड़ तोड़ दीजिएगा, पूरा जान मार दीजिएगा। ऐसा मारा कि मार दिया, मर गया, मर गया। डॉक्टर साहब जवाब दिया, PMCH ले पहले मर गया। रियाज अभी कहाँ? अपना घर किधर मार के भाग गया, उसका मामा लेके गया, देखिए बैठा कर रख ले, आने के भी मौका नहीं दिया कि हम लोग थाना आएंगे, जल्दी जल्दी इसको हॉस्पिटल ले गया, बोल रहा जिंदा, चलो चलो इलाज करवा दे रहे हैं। कुछ नहीं था, खाली आया लड़का आया उठा कर पटाख दिया था, तीन माता पटाखा पटाखा ऐसे करके दो तीन माता फिर मारा। रियाज कौन है? रियाज घर का बगल का, घर के बगल के बगल में रहता। आखिर वजह का मारपीट का? कुछ नहीं पूछे, वजह से कुछ नहीं, बोली न चाली कुछ नहीं था, खाली वो हमको ऐसे ही सामने ऐसे ही डर खिला रहा था, ऐसे ही डर खिला रहा था। तो हम आए पानी भरा नल पर, तो वो देखा नल पर खड़ा कर तू चल रही दहर के गया उठाकर माता पटाक दिया, तीन माता पटाख के घर से पूरा मार 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 वहाँ पर ही हुई अस्पताल ले जाने जबरदस्ती लेके चल दिया घर में ही मर जबरदस्ती। रियाज के साथ और कोई थे? कोई नहीं। अभी थाना में थाना क्या बोला? थाना में कुछ नहीं बोला, बुरा करवाई होगा ना? अभी बोल रहे अभी जाइए नींद ना के दे रहे, अभी आप जाइए आप नींद ना के जाइए, फैसला हम नहीं वो लोग कुछ करे तो हम फिर बाद में सुन के फिर बाद में करेंगे, अभी कुछ नहीं करेंगे।